हेलो गाइस वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस कैसे हैं आप सब होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे तो गाइस अच्छे रहिए ध्यान रखिए अपना एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे साइंस से 10 क्वेश्चंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो चार स्टेटमेंट है देख लेते हैं कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स इज इन डिजिटल डिस्प्ले सेकेंड स्टेटमेंट मोडम इज अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड टू अ फोन लाइन थर्ड वन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑशनोग्राफी इज लोकेट एट कॉयम्बटूर एंड फोर्थ वर्जनज सेवेंटी इज़ अ सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोग्राम वीडियो को पोज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए बहुत हीजी क्वेश्चन है तो चलिए होपली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दोनों ही स्टेटमेंट सही है फर्स्ट एंड सेकेंड अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है जो एल सी डी एक तरह का फ्लैट पैनल डिस्प्ले इसको हम बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक uh, डिवाइसेस में यूज़ करते हैं जैसे पहले इसके टीवीज़ भी आते थे आजकल हालाँकि एलईडी टीवी हमें देखने को मिलते हैं वॉचेज़ कैलकुलेटर बहुत जगह यूज़ किया जाता है एलसीडी डिस्प्ले को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड सेकंड स्टेटमेंट अगर आपने कंप्यूटर का लास्ट सेशन देखा है तो डेफिनेटली ये आपको आता होगा मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कंप्यूटर और फ़ोन लाइन के साथ कनेक्ट करते थे और इंटरनेट एक्सेस करते थे ना. करते है ना आजकल हम राउटर्स को यूज़ करते हैं हमने रिप्लेस कर दिया लेकिन राउटर्स की इनबिल्ट ही क्या है मॉडम है बाकी डिटेल में आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर का लास्ट सेशन देख सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफ़ी इसका हेडक्वाटर आपको मिलेगा गोवा में कोयम्बटूर में नहीं है गोवा में है इसके रीजनल ऑफिस भी आप याद रखना कोची मुंबई विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेंगे एंड वर्जनी सेवनटी एक तरह का ड्वार्फ स्टार है ठीक है जी यहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है तो वर्जनीज सेवेंटी क्या है एक तरह का येलो ड्वार्फ स्टार है और हेडकॉर्टर आपको देखने को मिलेगा गोवा में रीजनल ऑफिस कोची मुंबई विशाखापट्टनम बाकी हमने दोनों डिस्कस कर लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट तो इसमें से देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ए ऑप्शन है डी डी टी इज एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड बी ऑप्शन है टी एन टी इज़ एन इंसेक्टिसाइड सी आर डी एक्स इज एन एक्सप्लोसिव एंड डी है एल एस डी इज़ एन एंटी वायरल कंपाउंड वीडियो को पोज़ कीजिए और इसका सही आंसर माफ कीजिए चलिए होपली अब तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा कैसे इसका सही आंसर है आर डी एक्स इज एन एक्सक्लूसिव इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं आर डी एक्स को हम कहते क्या हैं रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव और इसको हम एक तरह से साइक्लोनाइट भी कहते हैं एक इसका ये नेम आप याद रख लेना अनाउंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए ठीक है तो आप इसको याद कर लीजिएगा हम इसको साइक्लोनाइट uh, ही पढ़ेंगे ठीक है और बहुत पावरफुल एक्सक्लूसिव है इसको डिस्कवर्ड किसके द्वारा कराया गया था जॉर्ज फ्रेडरिक हैंिंग के द्वारा ये जर्मनी बेस्ड साइंटिस्ट थे और इसकी बिलोस्टी भी पूछ ली जाती है तो बिलोस्टी है इसकी एट सेवन फाइव ज़ीरो मीटर पर सेकेंड और बहुत ही हाई एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी है इसकी ठीक है जी सेकेंड वर्ल्ड वार में भी यूज़ किया गया था और आर डी एस जो है ये कलरलेस सॉलिड सब्स्टांस है ये ऑप्टेन के मतलब बनता कैसे है नाइट्रिक एक्सिड और हेक्सामाइन से ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर विच ब्रांच ऑफ साइन यू एन हैज़ डेजिनेटेड द ईयर ट्वेंटी इलेवन तो दो हज़ार ईयर का जो जो दो हज़ार ग्यारह था उसको यू एन के द्वारा आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ईयर डेजिनेटेड किया गया था तो ए ऑप्शन है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री द इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी बी ऑप्शन सी है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडिवर्सिटी एंड डी है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिज़िक्स होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर है ए द इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली में जो 2011 का साल था ये आपको द इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री एंड साथ साथ फॉरेस्ट ये दोनों डेजिनेट करे गए थे यू के द्वारा अच्छा एक बार इसको डिटेल में हम देख लेते हैं और यहाँ पर मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा 2011 का साल केमिस्ट्री एंड फॉरेस्ट के लिए था पंद्रह का लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड सोयल के लिए 2016 का ईयर ऑफ पल्सेस 17 सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट अच्छा एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूज़ में रहता है अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जो फूड वेस्टेज को लेकर एक रिपोर्ट थी ठीक है 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक का हमारा एक एम है ये गोल पर हम मतलब एक तरह से इनको पूरा कर लें ठीक है इसके लिए मैं स्पेशल एक सेशन लेकर आऊँगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चनस आते हैं ठीक है हालांकि इसे कोई लेट नहीं करता फिर भी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये दो हज़ार सत्रह का जो ईयर था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म फॉर डेवलपमेंट और ये जो ईयर है लास्ट में ये आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सी ईयर के लिए थे इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रोडिक्टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज ईयर ऑफ मॉडर्नेशन ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ एंड ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ तो यह आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी हनी तो डेफिनेटली आपने यूज़ किया होगा तो बताइए हनी में मेन कम्पोनेंट किसका होता है एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं ग्लूकोज माल्टोस सुक्रोस फ्रोक्टोज देखिए इसमें चारों होते हैं लेकिन मेन कंपोनेंट कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ फ्रक्टोज थर्टी एट परसेंट के आसपास होता है ठीक है जी और इसमें ग्लूकोस होता है आपका अराउंड थर्टी वन के अराउंड होता है थर्टी वन परसेंट के आसपास और जो माल्टोस होता है वो सेवन पॉइंट वन या सेवन पॉइंट टू परसेंट होगा और सुक्रोस होता है आपका वन पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है एक बार इसको देख लेते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ हनी कि आपने एक्जैक्टली याद रखना है थर्टी एट पॉइंट टू परसेंट ठीक है वैसे अप्रोक्स याद रखोगे तो डेफिनेटली आप मार्क कर पाओगे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा फ्रुक्टोज़ जैसे पूछ लें कि फ्रुक्टोज़ की जो मात्रा है हनी में वो कितनी होती है आपसे ऑप्शन में आ जाए थर्टी एट पॉइंट टू पॉइंट थ्री 38.4 ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है लेकिन आपको ये फिगर तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए मेन कंपोनेंट ऑफ हनी फ्रिक्टोज 38.2 और ग्लूकोज की मात्रा होती है 31.3 वन पॉइंट थ्री सुक्रोज की 1.3 और माल्टोज की 7.1 पॉइंट वन परसेंट वाटर भी होता है सेवनटीन पॉइंट टू परसेंट ठीक है टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एल पी जी सिलेंडर इज़ बिकॉज ऑफ ठीक है जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार ऑप्शन के थ्रू देखते हैं फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका सही आंसर मिथेन ब्यूटेन प्रोपेन एंड इथाइल मार्केबन तो आप इसका सही आंसर बताइए मुझे वीडियो को पोज करके चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा कैसे इसका सही आंसर है डी इथाइल मार्केबन इसको हम इथेन भी कहते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है जी और इसका फार्मूला है सी एस um, थ्री सी एस टू एस एच ठीक है तो फार्मूला भी आप याद रख सकते हो जी डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख लेना जो एल पी जी है एक फ्लेमेबल मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन गैसेज का विच इज़ यूज एज फ्यूल एल पी जी इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्रुटेन एंड प्रोपेन यहाँ पर हम गलती कर देते हैं हमें लगता है कि मिक्सचर है तो यही इसका सही आंसर होगा ठीक है लेकिन इसका सही आंसर क्या था टेन क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो और पढ़ा करो फिर उसका मार्क करा करो आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है टेबल साल्ट एन ए सी एल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ तो जो टेबल साल्ट है एन ए सोडियम सी एल फ्लोराइड और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक सी रिएक्शन यही है ना चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू कौन सा सही इसका आंसर है ए ऑप्शन हमें क्या कहता है वीक एक्सीडेंट वीक बेस बी ऑप्शन हमें क्या कहता है स्ट्रोंग एक्सीडेंट स्ट्रोंग बेस सी वीक एक्सिड या फिर स्ट्रोंग बेस स्ट्रोंग एक्सिड या फिर वीक बेस गैस, इसका सही आंसर है स्ट्रोंग एक्सिड एंड स्ट्रोंग बेस बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है एक बार यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं इसको अब जो एन है वो आपका एक तरह के इसको टेबल सॉल्ट भी हम कहते हैं ठीक है तो इसको याद रखना स्ट्रोंग बेस और हम स्ट्रोंग एक्सेड कहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वट इज नीला थोथा ठीक है नीला थोथा क्या होता है इसका जो कंपाउंड नेम है वो क्या है ये ऑप्शन देख लेते हैं कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट कैल्शियम सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट वीडियो को पोज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए इसका सही आंसर है सोडियम कॉपर एंड सल्फेट कॉपर सल्फेट ठीक है तो इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट अच्छा नीला थोथा जो है एक तरह का ब्लू स्टोन होता है इसको ब्लू स्टोन भी कहा जाता है और एक इसका नाम था हिंदी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पता आई थिंक पता होगा चलिए मैं एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही नाम है थूथिया भी इसको कहा जाता है ठीक है नीला थोता को हम ब्लू स्टार भी कहते हैं थूथिया भी कहते हैं एंड कॉपर सल्फेट भी कहते हैं ठीक है कॉपर सल्फेट का फार्मूला आप मुझे चलिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है सी यू एस ओ फोर एंड ये ऐसे है फाइव एस टू ओ ये फार्मूला याद रखना है फार्मूले से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं ठीक है नीला तोता का जो फार्मूला है पूछ लिया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर तो जब वाटर की डिकम्पोजिशन होती है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है साउंड की फॉर्म में हीट की फॉर्म में या एक्सिड की फॉर्म में देखिए गाय अब जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर के थ्रू कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी हीट ठीक है कैसे होती है देखिए हाइड्रोलिस एक केमिकल रिएक्शन है ये इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है ठीक है जिसमें हम साल्ट को कुछ आयंस सा, साल्ट के कुछ आयंस को वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं ठीक है ठीके? और जब ये म्यूचुअली डिज़ोल्व हो जाते हैं उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक्सिड या फिर बेस सल्यूशन ठीक है जी और उसके बाद आप यहाँ पर जब ये सोल्यूशन बन जाता है तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसी को ही हम कहते हैं हीट एनर्जी ठीक है आ, energy, जी कौन सी एनर्जी होती है हीट एनर्जी तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा देखिए हाइड्रोलिस प्रोसेस है और कुछ साल्ट के आयंस जब डिज़ोल्व होते हैं वाटर के साथ म्यूचुअली कंबाइन कर जाते हैं ठीक है तो क्या बनाते हैं या बेस और इसी को हम क्या कहते हैं हीट एनर्जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल ये आ, ट्रेंड में भी चल रहा है तो बहुत सारे आ, जो आजकल यंग एज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह की सर्जरी करवानी पड़ती है और उसका मेनली रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ आर्थ्रोप्लास्टी इज़ इन सर्जरी तो आर्थ्रोप्लास्टी जो सर्जरी होती है वो हमें इन ऑप्शन में बताइएगा किस फॉर्म में देखने को मिलती है ए ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी किडनी ट्रांसप्लांट सी है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड डी है ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो इसका सही आंसर मार्क कीजिए वीडियो को पोस्ट कीजिए पोस्ट करके गैस इसका सही आंसर है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल होता क्या है कि जो यंग जनरेशन है वो जिम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं जाना है ना जिम जाना अच्छी बात है फ़िटनेस का ध्यान रखना जिम जा जिम जाना या फिर स्टेडियम या फिर रनिंग करना एक्सरसाइज़ करना अच्छी बात है लेकिन हम क्या करते हैं जिम जा जब जाते हैं तो वहाँ के जो ट्रेनर्स होते हैं वो हमें कुछ आ, मेडिसिन या फिर प्रोटीन पाउडर लेने के लिए, के लिए कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी बहुत अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप ये कैप्सूल्स या फिर ये टैबलेट ले सकते हैं या फिर प्रोटीन ले सकते हैं <coughs> अगर आप स्लिम होना चाहते हैं तो आप इस तरह की टैबलेट यूज़ कर सकते हो जैसे फैट बर्नर हो गया <coughs> या फिर फ़िश कैप्सूल हो गए फ़िश कैप्सूल तो खैर अच्छा है लेकिन उसकी भी एक प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं ठीक है लेकिन आप यहाँ पर समझिएगा कि जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो खैर मैं ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते लेकिन कई एरियाज़ में होते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ठीक है लेकिन फिर भी इनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है तो हम इनकी बॉडी को देख बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी भी बॉडी इन जैसी हो ठीक है तो इन्हीं के द्वारा बताए गए हम कुछ टैबलेट्स या कुछ कैप्सूल्स ले लेते हैं जो बाद में चल हमें बहुत नुकसान करते हैं ठीक है और ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो कहीं कही ना कहीं डिस्प्लेस हो जाते हैं ठीक है और डिस्प्लेस होने की वजह से इसकी सर्जरी होती है ठीक है इसको कहा जाता है एथ्रोप्लास्टिक ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है ठीक है और इसकी अवेयरनेस हालांकि कम है और लोगों को पता नहीं है लेकिन यहाँ पर हाँ uh, मेरी मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं जो इस uh, टाइप की सर्जरी करवा चुके हैं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर आप जिम जाते हैं तो आप ऐसी कोई मेडिसिन या कैप्सूल्स मत लीजिएगा ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार यहाँ पर आप इसका सही आंसर देख सकते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हम क्विज़ भी देखेंगे परसेंटेज अमाउंट बाय वॉल्यूम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ लोवेस्ट इन द एटमॉस्फेयर आज बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे लास्ट टाइम हमने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन करे थे ठीक है तो आज इजी क्वेश्चन है होपफुली आपके टेन आउट ऑफ टेन आए होंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपके आज के जो सेशन में कितने क्वेश्चन ठीक थे चलिए एक बार देख लेते हैं ए ऑप्शन है आर्गन बी है नाइट्रोजन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है ऑक्सीजन ठीक है हम सबको पता है नाइट्रोजन होता है सेवेंटी एट परसेंट ठीक है जी ऑक्सीजन होता है अराउंड ट्वेंटी वन परसेंट आर्गन होता है अराउंड जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ठीक है जी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से सबसे कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट और भी सिक्स गैसेस होती हैं ठीक है थीके? और चलिए ये आप मुझे सिक्स गैसेस बताइएगा ये किस मात्रा में आपको देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर में टोटल टेन गैसेस होती हैं वैसे ज़्यादा होती हैं लेकिन हम मेन कंसीडर टेन करते हैं ठीक है थीके? तो आप मुझे आ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो आर्गन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट नाइट्रोजन सेवेंटी एट ऑक्सीजन अराउंड ट्वेंटी वन या ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट चलिए एक बार क्विज देख लेते हैं आज की क्विज टाइम में फर्स्ट क्विज है इटाई टाई डिसीज इज ड्यू टू पॉइजनिंग कॉज बाय मर्क्री एसनिक कैडियम या एस्बेस्टोस नेक्स्ट क्विज है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एटोमिक नंबर सेवनटीन एटोमिक नंबर सेवनटीन है मान लो कि यहाँ पर मैं ए ही लिख रहा हूँ एटोमिक नंबर कोई भी हो जैसे मान लो कैल्शियम का होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं ना नीचे ये एटोमिक नंबर होता है आपका ठीक है इसका इलेवन होता है हालांकि सेवन नहीं होता ऐसे मान लो कि ये एटोमिक नंबर सेवनटीन है ठीक है और ये आपका मास नंबर है आपको बताना इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे ठीक है सेवनटीन होंगे थर्टी सिक्स होंगे या फिर क्या होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, में बताइएगा अच्छा ये भी बताइएगा मुझे एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है और ये दोनों क्विज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रैटेजी सेशन में डिसीज़ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं ठीक है एक स्पेशल हम क्विज़ करेंगे डिसीज़ बेस्ड उसमें मैं आपको सभी की सभी डिसीज़ कवर करवाऊंगा और बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ऑप्शन बेस्ड में करते हुए सभी डिसीज़ कवर कर लेंगे अच्छा आज का आपने सेशन देखा होगा सर का मोटिवेशन वाला ऑफली आपको बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है और आपने रिलेट भी किया होगा अपनी लाइफ के साथ ठीक है तो वो सेशन को जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा उससे आपको बहुत एक मोटिवेशन मिलेगी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ की वो आप कहीं कही ना कहीं रिलेट कर पाओगे उस वीडियो के साथ ठीक है जी और एक कंसिस्टेंसी के लिए मैंने स्ट्रेटजी सेशन में भी आपको ऐप बताई थी वो आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि जब तक आप अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे ना तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे ठीक है फॉरेस्ट एप्लीकेशन है हालांकि अगर आपके पास अभी न्यू एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें एलेवन एंड्रॉयड वर्जन आ चुका उस है उसमें भी फोकस मोड का ऑप्शन है इन है तो आप वो वो यूज़ कर सकते हो हालाँकि मुझे ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगती है फ़ॉरेस्ट एप्लीकेशन और अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक मैं आपको डिलीट मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आप उनको आ, उनकी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए ठीक है अपने जितने भी ये सोशल नेटवर्किंग साइट हैं उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए जब आपका मन करे तभी आप यूज़ करो जब आपके पास फ्री टाइम हो वन आवर टू आवर का और फॉरेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड इसलिए करना है आपको क्योंकि इससे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन पाएगी ठीक है जब तक लाइफ में और हम जब स्टडी करते हैं कंसिस्टेंसी नहीं होती तो हम पेपर नहीं क्रैक कर पाते ठीक है जी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इसको यूज़ कैसे करना है अब आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो तो डेफिनेटली आपको सभी एप्लीकेशन यूज़ करनी आती होंगी नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना फॉरेस्ट एप्लीकेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे यूट्यूब जो uh, ट्यूटोरियल्स होंगे वो देखने को मिलेंगे जो फॉरेस्ट एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना बताएंगे ठीक है जी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ठीक है जैसे जैसे ट्री ग्रो करता है जैसे जैसे हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ती है और हम फ़ोन को कम यूज़ करते हैं फिर आफ्टर सम टाइम ट्री ग्रो होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने चलो प्रैक्टिकली uh, तो नहीं लेकिन फ़ोन में ट्री को जरूर ग्रो करा है ठीक है चलिए होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और कोई भी आपका डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा थैंक यू सो मच और वीडियो को लाइक और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ई को या फिर एस की उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा चलिए थैंक यू सो so मच